सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ आईईएस यूपीपीएससी एई गेट ऑन द टॉपिक ऑफ रिइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ द सिग्मा सीबीसी इज परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन फ्लेक्सुरल कंप्रेशन इन न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इन सर्विस द मॉडुलर रेशियो इज ऑप्शन क्या है दैट इज 280 अपॉन 3 सिग्मा सीबीसी 280 अपॉन 4 सिग्मा सीबीसी थर्ड ऑप्शन इज 19 एंड लास्ट ऑप्शन इज 13. सो क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीएससी ए 2003 में. सो मॉडुलर रेशियो बेसिकली क्या होता है दैट इज 280 अपॉन 3 सिग्मा सीबीसी. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दैट इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉडुलर रेशियो फॉर एम 20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट इज गिवन बाय ऑप्शन क्या है 10 18 15 13. सो ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीएससी ए 2007 में. सो फॉर ग्रेड कौन सा ग्रेड गिवन है दैट इज एम 20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट. सो एम 20 ग्रेड के लिए सिग्मा सीबीसी की वैल्यू जो होती है वो होती है 7 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर. सो मॉडुलर रेशियो दैट इज एम इक्वल टू 280 अपॉन 3 सिग्मा सीबीसी दैट मींस 280 अपॉन दैट इज 3 इंटू 7. सो मॉडुलर रेशियो की वैल्यू जो आएगी दैट इज 13.33. सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दैट इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है द परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस फॉर एम 15 ग्रेट ऑफ कॉन्क्रीट इज इन न्यूटन पर एम एम स्क्वायर. ऑप्शन क्या है दैट इज 15 सेकेंड ऑप्शन 30 नेक्स्ट ऑप्शन इज 5 एंड लास्ट ऑप्शन इज 7.5. सो ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी ए 2001 में. सो बेसिकली फॉर ग्रेड एम 15 के लिए सिग्मा सीबीसी की वैल्यू जो होती है वो होती है दैट इज 5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर. इसी तरह एम 10 की अगर बात करें तो उसके लिए सिग्मा सीबीसी की वैल्यू होती है दैट इज 3 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर. एम 20 के लिए होती है सिग्मा सीबीसी की वैल्यू दैट इज 7 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर. एम 15 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट के लिए सिग्मा सीबीसी की वैल्यू होती है दैट इज 8.5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर. सो यहाँ पे 15 के लिए पूछा गया 15 के लिए कितनी होती है दैट इज सिग्मा सीबीसी की वैल्यू दैट इज 5 न्यूटन पर एम स्क्वायर. द करेक्ट ऑप्शन इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड आईएस 453:2000 इफ एफसीके इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट इज ऑप्शन क्या है 0.7 अंडर रूट एफसीके 0.5 अंडर रूट एफसीके 0.87 अंडर रूट एफसीके नन ऑफ दिस. सो क्वेश्चन पूछा गया यूपीपीएससी ए 2016 में. सो एज पर आईएस 453:2000 दैट इज द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ या टेंसाइल स्ट्रेंथ जो भी है ठीक है. सो कोड में फॉर्मूला है दैट इज फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ इक्वल टू दैट इज 0.7 अंडर रूट एफसीके वेयर एफसीके क्या है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट at 28 days in Newton per mm square. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है दैट इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्क्रीट इन सी वाटर शैल बी एटलीस्ट ग्रेट इन केस ऑफ रेनफोर्स कॉन्क्रीट. ऑप्शन क्या है M20, M25, M30, M40. क्वेश्चन पूछा गया है आरपीएससी ए 2014 में. सो कॉन्क्रीट इन सी वाटर शैल बी एटलीस्ट ग्रेट जो है होना चाहिए इन केस ऑफ रेनफोर्स कॉन्क्रीट बीम के लिए दैट रेनफोर्स कॉन्क्रीट के लिए बेसिकली होता है वो एम 30 ग्रेड होता है. सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दैट इज एम 30. नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्विवेलेंट एरिया ऑफ अ रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट सेक्शन इज ऑप्शन क्या है एम ए सी प्लस एस सी ए सी प्लस एम एस सी ए सी प्लस ए एस सी एंड लास्ट ऑप्शन क्या है दैट इज ए सी प्लस ए सी मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा सी. क्वेश्चन पूछा गया यूकेपीएससी ए 2007 में. सो इक्विवेलेंट एरिया जो होता है बेसिकली वो क्या होता है दैट इज ए सी प्लस एम ए एस सी. इसको निकालते हैं इसका कैलकुलेशन करते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट. सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द इफेक्टिव कवर ऑफ रेनफोर्समेंट इज ऑप्शन क्या है टोटल डेप्थ माइनस 1.5 इनटू डायमीटर ऑफ बार. नेक्स्ट ऑप्शन क्या है टोटल डेप्थ माइनस 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ बार.
थर्ड ऑप्शन है डेट इज कवर प्लस डायमीटर ऑफ बार, लास्ट ऑप्शन है कवर प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय द डायमीटर ऑफ बार। सो क्वेश्चन पूछा गया है यूके पीएससी 2007 में। सो बेसिकली अगर ये फिगर बनाते हैं, अगर ये सपोज अगर सिंगल रेनफोर्स बीम है, सो ये आउटर से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होती है, डायमीटर से आउटर की ये जो डिस्टेंस होती है क्लियर कवर, और डायमीटर ये आपका है सपोज ये फाई है। सो ये जो डिस्टेंस होगी सेंटर से लेकर यहां तक की डिस्टेंस जो होगी वो डेट इज क्या कहलाती है, डेट इज इफेक्टिव कवर। सो इफेक्टिव कवर क्या हो जाएगा, डेट इज क्लियर कवर प्लस ये फाई का हाफ ले लेंगे, ठीक है, डेट इज क्लियर कवर प्लस डेट इज 5/2, या कह सकते हैं डायमीटर का हाफ ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, डेट इज करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डेट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील रिइंफोर्समेंट इन अ सिंगली रिइंफोर्स सेक्शन इज 1075 mm², द ब्रेथ एंड द डेप्थ ऑफ द बीम सेक्शन इज 250 mm × 250 mm, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ टेंसाइल स्टील। ऑप्शन क्या है, 2.25%, 3.55%, थर्ड ऑप्शन है 4.38%, लास्ट ऑप्शन है 1.72%। क्वेश्चन पूछा गया है DSSB 2019 में। सो परसेंटेज ऑफ स्टील पूछा जाए, दैट इज PST इक्वल टू द फॉर्मूला, दैट इज AST अपॉन BD इनटू 100, ठीक है। सो यहां पे ST कितना गिवन है, एरिया ऑफ स्टील कितना गिवन है, 1075, तो 1075 अपॉन बी आपका 250 है और डी बी आपका क्या है 250 है मल्टीप्लाइड बाई 100। सो ये सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 1.72%, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ मेन रिइंफोर्सिंग बार इन अ सिंगली रिइंफोर्स स्लैब शैल नॉट एक्सीड एक्स टाइम द टोटल थिकनेस ऑफ द स्लैब वेयर एक्स इज इक्वल टू, ऑप्शन क्या है 1/4, 1/8, 1/12, 1/16। क्वेश्चन पूछा गया है SSC UPPSC AE 2008 3 में। सो कोड में मेंशन है जो डायमीटर ऑफ रिइंफोर्सिंग बार जो होना चाहिए इन केस ऑफ स्लैब शैल नॉट एक्सीड दैट इज 1/8 टाइम्स ऑफ दैट इज थिकनेस ऑफ टोटल थिकनेस ऑफ स्लैब, टोटल थिकनेस ऑफ स्लैब। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 1.8, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ सिंगली रिइंफोर्स कंक्रीट स्लैब ऑफ 100 mm थिकनेस द मैक्सिमम साइज ऑफ रिइंफोर्सिंग बार्स इज, ऑप्शन क्या है 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm। क्वेश्चन पूछा गया है UPPSC AE में 2007 3 में। सो मैक्सिमम साइज ऑफ डायमीटर ऑफ बार जो होगा इन केस ऑफ स्लैब जो होना चाहिए वो 1/8 ऑफ टोटल थिकनेस ऑफ स्लैब से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो डायमीटर की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम डायमीटर की, तो 1/8 इनटू थिकनेस कितनी है 100 mm, ठीक है। ये सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू बेसिकली आएगी दैट इज 12.3, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, दैट इज 12 mm। थैंक यू।